वाह रे मुल्ला, तेरा जवाब नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। मुल्ला ना तो नमाज अदा करते थे न मस्जिद जाते थे, ये भी आप जानते ही होंगे। बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक व काफिर कहते थे। एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को मस्जिद जाने व नमाज पढ़ने हेतु समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं, सो सबने मिलकर मुल्ला को समझाया। मुल्ला ने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो नहीं जा सकता हूँ, पर हाँ, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं अल्लाह को दिन में एक बार याद जरूर कर लूंगा, लेकिन करूंगा अपने वक्त पर तथा अपने तरीके से। सबने सोचा, ठीक है, ना करने से तो अच्छा ही है। उधर मुल्ला ने तो रात के 12 बजे घर की छत पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, ए सुन अल्लाह, मुझे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू 100 दिनार नहीं भिजवाता, मैं ऐसे ही रोज रात को नमाज पढ़ता रहूंगा, और ध्यान रखना कि पूरे 100 लूंगा, एक भी कम नहीं लूंगा। बस इतना चिल्ला कर वो सो गया। फिर तो ये सिलसिला रोज का हो गया। रोज रात को वो छत पर जाए और तेज आवाज से बात दोहराए। बात वही कि 100 दिनार भिजवा, जब तक तू नहीं भिजवाता तब तक रोज ऐसे ही नमाज पढ़ता रहूंगा। ये अजब नमाज हुई, और वो भी ऐसी अजब कि मोहल्ले वालों की शामत ही आ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोज रात मुल्ला चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को उठा देता था, और ऊपर से इबादत भी बेतुकी बोल पटांग। इससे तो वो नास्तिक ही अच्छा था। सब मुल्ला को समझाकर पछता रहे थे। अपनी भूल सुधारने हेतु उन्होंने मुल्ला को इबादत छोड़ने हेतु भी कहा, परंतु मुल्ला अड़िग था। उसने स्पष्ट कह दिया कि एक बार शुरू कर दी तो कर दी, अब तो इसे अल्लाह ही 100 दिनार देकर छुड़वा सकता है। अब अल्लाह क्यों 100 दिनार देने लगा। तकलीफ में तो बंदे थे, सो वे ही आगे आए। सबने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने हेतु एक मीटिंग बुलाई। सुझाव काफी आए, पर उनमें से एक ही प्रैक्टिकल जान पड़ा, और वो ये कि सब मिलकर 99 दीनार एकत्रित करते हैं, और जब मुल्ला रात को चिल्लाना शुरू करे तो वे दीनार पोटली में बांधकर उसकी छत पर फेंक देते हैं, क्योंकि मुल्ला 100 दीनार मांग रहा है, बार बार कह भी रहा है कि एक कम नहीं लूंगा, अतः 99 आए देख कर वो ठुकरा देगा, पोटली वापस फेंक देगा। बस हमें हमारे दीनार भी मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी। वो समझ जाएगा कि अल्लाह पूरे 100 दीनार देने को अभी राजी नहीं। अब प्लान बन चुका था और इंतजार रात का था। बस रात को मुल्ला ने जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया कि अल्लाह पूरे 100 दीनार लूंगा, एक कम नहीं लूंगा, कि योजना अनुसार 99 दीनार से भरी थैली मुल्ला की छत पर फेंक दी गई। मुल्ला तो खुश खुश हो गया। उसने झट से थैली खोलकर दीनार गिनने शुरू किए, लेकिन ये क्या, ये तो 99 है। उसने 2-3 बार और गिने, पर थे 99 ही। खैर कोई बात नहीं। उसने दीनार फिर थैली में भरे और थैली हवा में उठाता हुआ बोला, अरे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है, 1 दीनार थैली का काट ही लिया है। इतना कहते कहते उसने थैली जाकर अलमारी में रख दी और सो गया। उधर मोहल्ले वालों को तो समझ में ही नहीं आया, ये तो दीनार ही चले गए। बेचारे सब रात भर जागे। सुबह सुबह सीधे सबने मिलकर मुल्ला के घर दस्तक दी। जब 100 मांगे थे तो 99 क्यों रखे, उसका सबब भी जानना चाहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात से इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो, तुम लोगों के लिए ये बात नहीं कहा है। अच्छा बताओ, तुम लोग अल्लाह को जो भी चढ़ाते हो वो कभी अल्लाह तक पहुंचता है। उसे मौलवी ही ये कहकर रख लेते हैं ना कि तुम लोगों ने अच्छी भावना से नहीं चढ़ाया, इसीलिए अल्लाह ने वो चढ़ावा नहीं स्वीकारा, अतः मजबूरी में इसे हमें रखना पड़ रहा है। जब वहाँ चुप हो जाते हो तो यहाँ भी चुप हो जाओ। मैंने भी अल्लाह के प्रोफेशनल हो जाने की आड़ लेकर आपके दीनार रख लिए हैं। अब सुनिए इस अद्भुत कहानी का फिलोसॉफिकल सार। अब मोहल्ले वाले समझे न समझे, आप समझ लो कि आप जो मंदिर मस्जिद या चर्च में चढ़ाते हैं वो भगवान तक न पहुंचा है न पहुंचने वाला है, और फिर वो भगवान ही है इसीलिए कि उसे आपसे सिवाय शुद्ध भावना के
और कुछ स्वीकार्य ही नहीं है। सो क्यों अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ लुटा रहे हो? उससे तो दो चार जरूरतमंदों को कुछ दे दो। वादा करता हूँ वो अल्लाह तक पहुँच जाएगा। ऐसी ही जीवन परिवर्तित कर देने वाली अनमोल फिलोसॉफिकल कहानियाँ व दीप त्रिवेदी द्वारा दिए गए उनके सटीक सार के लिए पढ़िए सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ 101 सदाबहार कहानियाँ। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।